नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आज 14 मार्च 2021 को पार्टी में सरदार भिलाड़वाला बैंक का चुनाव होने जा रहा है। जी हाँ, हम उसी बैंक के बारे में बात कर रहे हैं जो 1 जनवरी 1930 में इस बैंक का स्थापना हुआ था। इस बैंक के फाउंडर थे श्री सरदार खान बहादुर विकाजी फिरोजा भिलाड़वाला, जिन्होंने बैंक की स्थापना की थी किला पाड़ी में। 1 जनवरी 1930 में इसका पहला ब्रांच खोला गया था। आज इसी भिलाड़वाला बैंक के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। कमलेश भाई गजानन पटेल MD द्वारा मतदान किया गया। बैंक के इस चुनाव में आज मतदान भी भारी मात्रा में उपस्थित रहे हैं। चुनाव के दौरान मतदान, यहाँ पे भारी मतदान होने की संभावना है। पाड़ी शहर के नगर पालिका के प्रमुख तथा नामचीन डॉक्टर के द्वारा मतदान किया जा रहा है। चुस्त पुलिस की बंदोबस्त यहाँ पर है और हमारे उज्जवल भारत टीम की ओर से हमारे रिपोर्टर गौरव भाई देसाई वहाँ पर मौजूद हैं। लगातार वो आपको अपडेट देते रहेंगे। उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। रिपोर्टर गौरव देसाई के साथ संवाददाता सीमा भट्टाचार्य, कैमरामैन पवन सिसोदिया। आखिर में वैक्सीन जरूर लीजिए, स्वयं भी सुरक्षित रहिए, पूरे समाज को सुरक्षित रखिए। धन्यवाद। आपका स्वागत है। आज रोज पार्टी पीपल्स कोऑपरेटिव सरदार भिलाड़वाला बैंक ने चूंटणी संदर्भे सवेरे 8 सतत मतदान चालू करवामां आवेलुं छे। मतदान की अंदर मोटी वयना लोको जे 80 90 वर्ष की उपरना वृद्धों उत्साह बताने मतदान कर रहा है और सांज सुधी में 45-50% मतदान थवानी शक्यता दर्शाई रही है। आज रोज DCO हाईस्कूल खाते चुस्त पोलिस बंदोबस्त में मतदान शांतिपूर्ण माहौल में थई रह्युं छे। अत्यार सुधी में 12% सुधीनुं मतदान थयेलुं छे। उज्जवल भारत न्यूज़ में आपनु स्वागत है। आज रोज सरदार भिलाड़वाला पार्टी पीपल्स बैंक की चूंटनी मटे लोग मतदारों मत आपवा माटे लाइन में उभा है, परंतु आजनी व्यवस्था थी खूब नाराज है और ये लोग ने मतदान जल्दी कर आशा रखी रहा है। बेन, आप के समय लाइन में उभा छो? 1 की लाइन में उभा छो, हजू सुधी आप नंबर नहीं आया। आप शू मांगनी कर रहा छो? आप के समय लाइन में उभा छो? वडील, 1 ઉપર જ લાઈનમાં ઉભા છો, હજુ સુધી આપણો નંબર નથી આવ્યો। આપ જોઈ રહ્યા છો સરદાર ભિલાડવા બેંકની ચૂંટણી માટે લોકો 1-1 સુધી લાઈનમાં ઉભા છે। આપ લાંબી લાંબી કતાર જોઈ રહ્યા છો। હવે રિટર્નિંગ ઓફિસર આની અંદર આવીને જલ્દીથી મતદાન કરાવે એવી આશા રાખવામાં આવે છે। આપ જોઈ રહ્યા છો સિનિયર સિટીઝન દ્વારા માંગણી કરવામાં આવે છે કે એમના માટે જુદી લાઈન, શું લાગે છે આપને અંકલ? સિનિયર સિટીઝનની વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ, કારણ કે કલાકો સુધી ઉભા રહેવાની એમની તાકાત નથી। આજના કોરોના જેવા કાળની અંદર જ્યારે કલાકો સુધી લાઈનમાં ઊભું રહેવું પડે તો એક એ ડરનો માહોલ છે અને સિનિયર સિટીઝનોને એનો ભય થવાની સંભાવના છે, જેથી તેઓ માંગણી કરે છે કે સિનિયર સિટીઝનો માટે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું પાલન કરવામાં આવે અને તેની સાથે સાથે એઓને જલ્દીથી મતદાન કરાવીને છૂટા કરવામાં આવે એવી આશા રાખવામાં આવે છે। ગૌરવ દેસાઈ, ઉજ્જવલ ભારત ન્યૂઝ, પાર્ટી।